ਟੋਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮਾਜ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਪੈਣ ਭਰਾਣੇ ਦੀ ਕਬਲੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਿਤਾਰੇ ਸੇ ਮਿਲਾਤੇ ਹੈ ਆਜ ਕਾ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਵੋ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਗਰ ਟਿਕਟੋਕ ਐਪ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਤੋ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਂ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੇ ਜੋ ਉਸਕਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲੋਗ ਉਸਕੋ ਵਾਹ ਯਾਦ ਸਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਪੇ ਅਗਰ ਮੋਸਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੋ ਵੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਮੇਂ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗ ਜੋ ਹੈ ਫੇਮ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਫੇਮ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਕੇ ਸਟੰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਖਸੂਸੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲੜਕੀਓ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਮੇ ਇਸਕੋ ਕਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਵੋ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਤੇ ਇਸਮੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੜਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਖਸੂਸੀ ਟਿਕਟੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਕਰਤੇ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਕੰਟੈਂਟ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਹਸਾਤੇ ਹੈ ਹਸਾਨਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਚਿਹਰੋਂ ਪੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਾਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਤੀ ਜੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹਸਨੈਨ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਾ ਕਰਮ ਨਾਜ਼ਰ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹਸਨੈਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਯੇ ਕੈਸੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਆਨੇ ਕਾ देखें सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आने का मेरे साथ मतलब लाइव तो असल में बेसिकली मैं सिंगिंग से मैंने स्टार्ट किया था शोबिज़ का टैलेंट तो मुझ में ना पहले से ही मौजूद था लेकिन मैंने ना सिंगिंग की तरफ मैं था तो अच्छा। सिंगिंग को मुझे लगा कि टिकटॉक के ऊपर ना इसकी थोड़ी ना पब्लिसिटी के लिए मैंने चंद टिकटॉकर्स के साथ रब्ता करने की कोशिश की ताकि मेरी सिंगिंग जो है वो प्रमोट हो लेकिन किसी ने मेरी कोई ना बात सुनी ना मुझे कोई रिप्लाई किया चंद एक टिकटॉकर्स के अलावा उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये जो आजकल का कंटेंट या ट्रेंड चला रहे हैं लोग इससे तो बहुत अच्छा कंटेंट मैं खुद भी क्रिएट कर सकता हूं लेकिन मतलब उस गुस्से की वजह से मैंने सिंगिंग को स्टॉप कर दिया और मैं थोड़ा ना टिकटॉक के ऊपर आया अपना जाती कॉन्टेंट लेकर मैंने सोचा कि अपना फनी कॉन्टेंट लाऊंगा अपनी आवाज में वीडियो बनाऊंगा तो अल्लाह के करम से मेरे अकाउंट की 10वीं वीडियो जो थी वो वायरल हो गई उसके बाद अच्छा। मेरे अंदर मतलब हौसला जज्बा पैदा हुआ मैंने इस काम स्टार्ट किया और बहुत ज्यादा नई नई चीजें मैंने सीखी आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को मैंने समझा तो अब माशाल्लाह अच्छा। से आप देख रहे हैं हुआ मुझे टिकटॉक पे है और बहुत ज्यादा फेम मिला। आपने पंजाबी जबान को क्यों सिलेक्ट किया इस चीज के लिए आप उर्दू में भी तो एंटरटेन लोगों को कर सकते थे कि इसका कोई खास जो लहजा है जो आपका वैसे प्यारी लगती है आपके मुंह से पंजाबी और वो लहजा जो है वो मजे का लगता है तो फिर भी आपने पंजाबी को क्यों चूज किया उसकी खास वजह यह थी क्योंकि हमारे जो चंद इलाका जात है ना वहां पे ये एक ठोस किस्म की पंजाबी जो वो बोली यूज की जाती थी और इसमें कोई खास कंटेंट किसी का भी नहीं था तो फिर मैंने सोचा अपने जो इलाका जात की जो ठोस पंजाबी है जिस तरह मैं जो मेरा कंटेंट है उसमें पहले कोई टिकटॉकर इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था तो मैंने उस पंजाबी को मतलब यूज किया लोग मेरी जिनको समझ नहीं भी आती पंजाबी की वो भी हंसते हैं कि कहते हैं यार कमाल की लैंग्वेज है लेकिन पत्नी है क्या तो मतलब इतने करते हैं समय समय तो आती है बाकी एंजॉय करते हैं। हसनैन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है किसी भी काम को हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ पहले में मुश्किलात आती हैं ऐवें ही तो नहीं बंदा ऊपर उसकी तरफ जाता तो इस सारी सूरत हाल में आपको क्या मुश्किलात थी कैसे अब तक का आपने जो फेम हासिल किया है सारी सूरत हाल में क्या मुश्किलात रही सबसे ज्यादा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो मेरा अपना फैमिली जाती जहां से मैंने स्टार्ट करना था मेरा मतलब आपको पता है ये जो खानदानी मुश्किलात होती है ना उसमें बंदा गिरा होता है जब बहुत ज्यादा आपके अंदर टैलेंट होता है बहुत कुछ करने की आपके अंदर उमंग होती है लेकिन आप फैमिली के आगे मतलब मजबूर हो रह जाते हैं तो जब दोस्तों की मुझे बहुत सपोर्ट थी बाहर लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया तो घर वालों की तरफ से सबसे ज्यादा मुखालफत शुरू हुई लेकिन ऐसा ऐसा जब मुझे फेम मिलता गया लोग अच्छे अच्छे लोग मुझसे मिलने आते मेरे बारे मेरे खानदान वालों से पूछते और मुझे दाद देते मेरे बारे में अच्छे मतलब कलमात जाहिर करते तो मतलब मेरी फैमिली में मेरा एक मुकाम बन गया अब मुझे बहुत मतलब यहाँ पर ना फैमिली की भी सपोर्ट है दोस्तों की भी अब सारा सिस्टम मैं बेहतरीन तरीके के साथ आ रहा हूँ यूट्यूब पे भी मैं मतलब अब काम करने लगा हूँ ऐसा ऐसा मैंने इस चीज के ऊपर फोकस करते रहा मैंने छोड़ा नहीं है लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा मुतमिन और अन करीब अब तो एक साल हुआ है सोशल मीडिया पे आए अब नेक्स्ट साल मतलब जो भी आएंगे
جو بھی دن آئیں گے انشاءاللہ میں بہتر سے بہتر کروں گا اور میں کر سکتا ہوں, چاہے اردو کانٹینٹ میں آؤں یا پنجابی میں آؤں, یوٹیوب کے اوپر ابھی میں اس میں بھی سوچ رہا ہوں. لیکن میرا دل ہے. اچھا سنین مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس تو آپ کی ویڈیو آتی ہے 30 سیکنڈ کی, 1 منٹ کی, ایک جو ہے وہ پراپر جو ویڈیو ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ کے ہنستے ہیں مسکراتے ہیں. ایک ویڈیو کے پیچھے آپ کی کتنی محنت لگتی ہے, آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ویڈیو ریڈی کرنے تک؟ تقریباً ایک ویڈیو تیار کر تو پہلے اس کا سکیچ میں سوچتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کاپی کسی کی نہیں کرتا, خود سے باتیں کریٹ کرتا ہوں, خود ذہن سے سوچتا ہوں, جھکتے سوچتا ہوں, پھر اس کو ویڈیو کی شکل دیتا ہوں. مطلب شارٹ سے شارٹ الفاظ کا استعمال کرتا ہوں, کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لوگ کام کی بات جس کے اوپر انہوں نے حسن ہوتا ہے وہ سننا چاہتے ہوتے ہیں, اس لیے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھی جاتی ہے. تو میں بھی شارٹ کٹ میں استعمال کرتا ہوں, الفاظ کا چناؤ کرتا ہوں. ایک ویڈیو بناتے ہوئے ایڈیٹنگ کے دوران تقریباً 20 منٹ یا 30 منٹ لگ جاتے ہیں. شوٹنگ کی اس کا ساری آپ کی محنت ہے, ہمارے پاس تو چلے آتی ہیں, ہم اس کو دیکھ کے ہنس دیے, لائک کر دیا, یقیناً اس کے پیچھے آپ کی محنت ہے. والدین اور آپ کے جو پہلے علاقہ ہیں, علاقہ کے آپ کے لوگ ہیں, پہلے آپ کو وہ کتنی کس نگاہ سے ساری چیز کو دیکھتے تھے اور اب کیا ڈیفرنس, کیا چینج آئے؟ جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ہر بندہ میرا مذاق بناتا کہ یہ کیا جہلوں کی طرح پاگلوں کی طرح لگے ہو, مطلب ہر بندہ میرا مذاق بناتا تھا, اور وہ بندے سارے میں اپنے ذہن میں نے ابھی بھی فیڈ کیے ہوئے ہیں, اور اب ماشاءاللہ ان سب کو میں نے بلاک کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ بار بار مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, بار بار کہ ہمارے فلاں دوست سے ملو, ہمارے فلاں رشتے دار سے ملو. مطلب جب میں زیرو تھا اس وقت سب مذاق بناتے تھے, اب جب میں مطلب اس سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا, لوگوں نے مجھے پسند کیا تو اللہ نے عزت دی, اس وقت وہی سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, بڑی بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں, اور میری یہاں پر تھاپڑا لگا کر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا آپ نے کام کیا یار, واہ. ہم تو اس وقت بھی پتہ نہیں تھا. اچھا اسنین کبھی دل کیا کہ اس کو میں چھوڑ دوں, کہ جب سٹارٹنگ میں کچھ ویوز نہیں آ رہے تھے, ویوز کا چکر ہوتا ہے زیادہ جو ہے وہ کوئی دل برداشتہ بندہ ہو جاتا ہے, تو دل نہیں کیا یار کی ٹائم ہے اسے چھڑ دو, کوئی کام دھندا کر. ٹک ٹاک کا پہلا اکاؤنٹ بنایا تھا اور لگاتار میں نے ہر روز 10 ویڈیوز اپلوڈ کی تھی نا, اس وقت وائرل نہیں ہوئی تھی, میں نے ٹک ٹاک کو ان انسٹال کر دیا تھا. میں بالکل میں نے سوچا یار جتنی عوام آئی پڑی ہے اس ٹک ٹاک کے اوپر, پتہ نہیں کتنے ٹیلنٹڈ لوگ آئے پڑے ہیں, وہ بھی بےچارے مطلب کہاں سانس در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہوں گے, اتنے لوگوں میں میں کون ہوگا جو وائرل ہو جاؤں گا. میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی, تو ٹھیک 5 دن بعد میرے ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یار تمہاری فلاں ویڈیو وائرل ہوئے, میں سمجھا مذاق کر رہا ہے. میں نے فوراً دوبارہ انسٹال کی, جب دیکھا تو آگے لائن لگی ہوئی تھی, فالوورز دھڑا دھڑ آ رہے تھے, ویوز بڑھ رہے تھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی میری 10ویں ویڈیو وائرل ہو گئی تھی. تو اس کے بعد میں نے پھر یوں کام سٹارٹ کیا, جس بایا پھر 7 اکاؤنٹ بنا دی, اپنے ٹیم اپنے ساتھ بنائی, آپ کو پتا ہے کافی لڑکے میرے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا اکاؤنٹ کون سا ہے. اچھا اسنین یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ٹک ٹاکر ہے چاند بلوچ اور ایک جو ہے وہ منظر خان, جن کا ذکر ہم اکثر دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیوز میں, تو ان پہ ان کی ویڈیوز ان پہ بنا کے ویڈیوز کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز نے آپ کو جو ہے وہ کافی کچھ فیم دیا؟ آپ میرے اکاؤنٹ کو چیک کر لیں, جو میمز ہوتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ محنت میری وہاں پہ لگتی ہے, کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں, ان کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں چاند کی یا منظر کی یا جس کے اوپر میں نے میمز بنانا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر میری محنت بہت ہوتی ہے. ایک فنی سکیچ بنا کر ویڈیو کی شکل مطلب دیتا ہوں, وہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ کوئی 4 ملین 5 ملین وہ ساری اس ریکارڈ ہے, وہ ساری ملینز میں گئی ہیں. اس سے مجھ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے جن کے اوپر میمز بنائے جاتے ہیں, ان کی بھی مفت کی پروموشن آپ نے کی ہے. اچھا میرا جو یہ سوال ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے اور بہت اہم سوال ہے اس پروگرام کا, آپ خلاصہ سمجھ لیں کہ فیم ملنا آسان ہے یا اس کو سنبھال کے رکھنا آسان ہے, کیا کہیں گے بابا؟ فیم کو سنبھال کے رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کیسی ٹک ٹاکرز ہیں جو کتنے جن کے مطلب بلو ٹک بھی لگ گئی, لیکن ایسا ایسا کام کر جاتے ہیں کہ بندے کو شرم آ جاتی ہے. جب آپ زبان نکال کے شلوار اوپر کر کے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو سوچیں آپ کا کون سا وہ ٹیلنٹ, پاک دنیا والے کیا آپ کا مذاق نہیں بناتے؟ جو کہ جٹ جیسا اتنا فیم ملا, اتنی اچھی ایکٹنگ کی تھی, اب اس کا موبائل ٹوٹا تو وہ رو رہا ہے یہ ہو گیا میرا موبائل ٹوٹ گیا, میرے پاس بس سے لے کر میری بکانی میں آؤ. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو فیم کو وہ لوگ نہیں سنبھال پا رہے, ان کو جو اللہ نے عزت دی ہے اس کو سنبھال نہیں پا رہا ہے. آپس مطلب اونچا سوچ, ان کی جو زیادہ اونچا جو سوچتے ہیں نا, وہ بعض دفعہ بہت نیچے گر جاتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کو جو ہے وہ فیم سنبھالنا مشکل ہوتی ہے, فیم کو ملنا تو چلے مل ہی گئی لیکن اس کو سنبھال کے اچھے سے رکھنا وہ تھوڑا مشکل ہے. فین کس حد تک تنگ کرتے ہیں آپ کو,
हमसे वीडियो बनाए मिलने आते होंगे, कितना जलील किया होगा। बस शुरू शुरू में तो मैं बहुत ही कोशिश करता था, सब फैंस से मिलता, रابطे करता। आपको पता है मेरा एक ही नंबर है, उसी पे मेरा सारा कुछ है। मैं व्हाट्सएप भी वही है, ऑन भी वही होता है। मैं जितना हो सके, बाकी आपको पता है मैं जमींदार फैमिली से हूँ, मेरे और भी काम धंधे होते हैं, मैंने वो भी करने होते हैं, साथ में फैंस को भी टाइम दो। लेकिन मेरा एक असूल है, जब मैं किसी को टाइम दे देता हूँ ना कि मैंने आपसे मिलना है, फिर हर सूरत में उसको मिलता भी हूँ, उसको टाइम भी देता हूँ। फैन को आज तक मैंने ये नहीं देखा कौन अमीर है कौन गरीब है, जो जो भी मुझे मिला मैंने उसके साथ वीडियो भी बनाई, पूरा प्रोटोकॉल उसको राजी किया। लेकिन जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाता वो बाद में गिले शिकवे करते हैं, कॉल नहीं अटेंड कर पाता, मेरी भी मजबूरियां हैं। ये मैं उस वक्त सोचता था कि यार मैं सबकी कॉलें सुनूंगा, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये बाबा बाबा जी, क्योंकि आपको बाबा जी ही जो है वो लोग ज्यादा कहते हैं। अभी तक आपने कोई इनकम भी हुई है सारी चीजों से, कोई इस जब से इसके सोशल मीडिया की तरफ आया है या अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है, कोई टिकटॉक से अर्निंग हुई है? नहीं, टिकटॉक को, टिकटॉक से कोई अर्निंग नहीं होती। टिकटॉक से पैसा टिकटॉकर्स जो है वो कमाते हैं अपने जेन से, मतलब लोगों की प्रमोशन करके, लोगों के बिजनेस की प्रमोशन करके, दावते हैं अगर किसी को आप अगर आपको बुलाता है। आपने भी तो वो शिवाज श्री वाली वीडियो लगानी थी ना उनकी प्रमोशन की आपको तो अच्छा, इसलिए इस तरह पैसे, वैसे इसकी सैलरी वगैरह को नहीं होती इस तरह, इस टिकटॉक की तरफ से कोई अर्निंग नहीं होती। अच्छा, मतलब जो ज्यादा भी जिनके फॉलोअर हैं वो भी वो शुगर मेले के लिए, अच्छा मेले के लिए तो पैसा कमाते हैं लोग, उनको पैसा देते हैं, बुलवाते हैं अपने पास, उनको पैसा देते हैं, किसी भी दावत पे बुलाते हैं, वो इस तरह पैसा ज्यादा कमा लेते हैं वो लोग। अच्छा बाबा जी, थोड़ा सा ना अपनी रवायती जबान में आए, थोड़ा सा ना इंटरेस्ट करें सारी चीज को। अब जो है ना थोड़ी सी आपसे फास्ट फास्ट हमारी थोड़ी सी गेम है वो खेलते हैं। दो फेवरेट टिकटॉकर कौन है आप जी? दो फेवरेट टिकटॉकर कौन है आप? एक जीवन सुल्तान है, अच्छा, और दूसरा मैं टिकटॉक के ऊपर खुद कोई फेवरेट समझता हूँ अपना, मैं अपना फैन। अच्छा आप अपने फैन है, दूसरा बंदा फैन ही कोई नहीं थोड़ा? दूसरा जीवन सुल्तान है। अच्छा ये दसोगे, दो लोगों को आपने मशवरा देना है अपनी ठोस पंजाबी में, उस जबान में, आप थोड़ा सा ना उर्दू से बाहर आए, हमें वो सुननी है। दो लोगों ने मशवरा दे की दोगे, पहला चांद बलोच की मशवरा दोगे? चांद बलोच नु मैं मशवरा देवा किस वीडियो में, मेरी कोई मंजिल है? नहीं, फिर भी तुसी मशवरा को दे सकते होगे, तुसी देना चाहो? मैं चांद बलोच नु मशवरा ये देना चाहना कि गाने गाने वाली वीडियो चो बाहर निकल के कोई अच्छा जहा कंटेंट अपनी पंजाबी दे विच, वो भी बोल के वीडियो बनावे, क्योंकि आने वाले वक्त विच मैनूं खतरा है कि चांद बलोच किदां ही फ्रीज ना हो जावे अकाउंट, क्योंकि तुहानूं पता है सलोमो जिहड़े ने जल्दी गायब हो जांदे। मैं चाहना इस नवे जावे रवे वायरल ही यार वे। अच्छा आपने मुझे जो है ना वो पंजाबी में ही अगला भी जवाब देना है। दूसरा, आप डोली फैशन को क्या मशवरा देंगे? डोली फैशन हुए आखना इत कुआरियां दी रड़ी निकल गई हो तेरे चक्करां विच, या पर नहीं जा, या ऐलान कर छड़ ब मेरी शादी हो गई है, जेडे आ शुद्ध लाइव दे सब ना साडे ते ओ ते किसे मने लग सन। अच्छा अच्छा, जुगते वगैरह तो आपको यकीनन आती है क्योंकि एक वो आपका जब वो ठोस है, तो आप दो लोगों को ना आपने जुगते मारनी है, पहली मंदर खान को एक जुगत। मंदर खान को ओनु लाइव लाया फिर मारांगा, ऐ तो बात बेचारा है कोल कोई नहीं, जरा अच्छा नहीं लगता, छठवी मार दो। अच्छा जुगी जाट के लिए क्या कहेंगे? जुगी जाट वास्ते मैं तो सिर्फ यही पैगाम देना, पहलो घड़े घरे वाले ना लड़ भेड़ के तो घरों निकले, आदू ही सारा टब्बर उन मनाउंगे होया, और सवाल है गल ये बजी थे भी होंदा ना नाराज होए होंदा, कैमरे अद्दी तो खुले होंदे है, जो उन्हां दी लड़ाई होंदी है कैमरे वाले पहले पता होंदा बाजे ना भिड़ना उत्थे कैमरे लगे होए। अच्छा ते मैनूं दो लगदा भज्जा है मोबाइल, वो मझ वेच के तो मोबाइल लैन लगे ने, तो मैं तो उन्होंने मशवरा देना वो मोबाइल विच हुण किहड़ियां धारां निकलनियां, मझ ते तो चुंदे पैन ते पींदे पैन भराने वी कौली चाऊ दे लैंदे हुण उस मोबाइल ते किहड़ियां धारां। अच्छा ये बताएंगे दो लोग टिकटॉक पे जो आपको नायत बुरे लगते हैं, जिनको टिकटॉक पे नहीं होना चाहिए? सब तो पहले यूसुफ पठान ते लम्मे वाला, मैंने ओहदा नाम नहीं, नौवीं बाबा केड़ा जेड़ा कुद कुद के सुथन उतां करके इतनी जेब बाहर कढ़ के ऐ नहीं करेंदा है, ओ मैं सब तो बेउदा टिकटॉकर लगता है। मतलब
वो टिकटॉक जो है वो छोड़ दे आपके मुताबिक, उसको टिकटॉक पे नहीं होना चाहिए। बेहतर है वो अगर एक्टिंग कर सकता किसे और ही पर मने लगे जावे साडे या जड़ी बात बात वीडियो सामने आवेंदी साडे को नहीं विकी। अच्छा तो और दूसरा बंदा कौन है? वो दो ही हैं थे लाल जेड़े बिल्कुल जहर लगते हैं। नहीं वो एक एक से तो शायद आप मिले भी थे ना? किन्ना थे उन आदमियों में जो मैं किसी ने नहीं मिला वो जिस एक तो मैं भी कह सकता हूँ आपको जो मुझे जहर लगता है वो जो नोट फेंकता रहता है वो तो आपके जानने वाला है। वो तो मेरे अच्छा, गांव का है। अच्छा चले उसको ना कहें कि अगर उसके पास पैसे ज्यादा है ना तो वो खजाने में जमा करवाएं और जो है वो कुछ मुल्क के हालात वो भी बेहतर। अच्छा अच्छा आपको क्या लगता है कि आगे जो आने वाला दौर है वो सोशल मीडिया मजीद जो है वो फैलेगा और जो हमारे नौजवान है जिनमें खुसूसी टैलेंट है और वो फिर भी घर बैठे हुए हैं लोगों की बातों से या अपने घर वालों की वजह से, तो उनको क्या स्टैंड ले लेना चाहिए? अभी टाइम है। बिल्कुल टाइम है। सोशल मीडिया से हम इस वक्त हर ऐप जी है टफ टफ कॉन्टेंट तुम लैके आना तो तुम वायरल होना। चलो वक्ती थोड़ी कोई एक गाजर कड़क रेंदे हो तो वायरल हो पी है या कोई एक गल और जिस तरह वो छोटा डाउन मलक डाउन वो कर रहे हैं शर्म ही नहीं आती वो आवाज से लोग अगर वीडियो बनाई जाते हैं वो लेला पहला वो जो बो करके लेला करता है वो ऐसा लेला हों जो मैं चलो लाइव आया बैठा बाद चो दसागा वायरल हो जाए ने ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾ ਕੈਮਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਛੋੜ ਕੀ ਝਗੜਾ ਮਾਰ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਆਪਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦੋਸਤੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਝੇ ਜੋ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੇ उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार आप जट जमींदार फैमिली से हैं तो आपका ये काम नहीं बनता। मतलब ये जो एक मतलब वो होती है हर ज़हनियत गांव की कि ये जो है वो मिरासी पढ़ना शुरू कर लिया ने। अच्छा फिर जो है वो लास्ट पे आप क्या कहेंगे अपने फैन को, क्या मैसेज देंगे अपने चाहने वालों? मैं अपने चाहने वालों सिर्फ ये पैगाम देना चाहना कि अगर तुहान जिथे जिथे भी मेरे तो इलावा कोई भी मेहनती बंदा नजर आवे जेड़ा के मेहनत कर रहा है कंटेंट ते चाहे किसी ऐप ते भी होवे उसकी सपोर्ट जरूर तुसा करनी। जिस तरह मैंने सपोर्ट की है मैंने बड़ी खुशी हुई है ओ कतरे कतरे नाल जिवें दरिया बनता इंज यार हाँ असि भी हम नाले जिदी रपड़ गए दरिया नहीं बने असि नाला बन गए वहां ते इंज यार अपने फैना रिक्वेस्ट कर सके तुसा सपोर्ट जरूर करनी। अगर थोड़े विच भी कोई टैलेंट है तो तुसी मायूसी दूर करो पाकिस्तान दे विच तुहानू पता है टैलेंट की कदर कोई नहीं होती अपने दम ते आना पौंदा है। इस वास्ते कोई भी आपको सपोर्ट भी नहीं करता और मजे की बात यह है कि अब देखें एक बंदा वायरल है वो अगर आपको सपोर्ट करे तो उसकी पब्लिसिटी कम नहीं हो जाएगी लेकिन वो नहीं ऐसा करेगा सिर्फ वो सेल्फ उसकी वजह से ये सारी चीजें जो करना है आपने कंटेंट पे बड़ा अपने जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर चल रही है मुनाफ़त। मतलब हम समझ रहे होते हैं अगर किसी को दबा कर उसके हिस्से की इज्जत हमारी झोली में आ जाएगी ये सब गलत है। अल्लाह ने हारे के लिए अलग अलग खाना रखा हुआ है इज्जत का तो सपोर्ट करनी चाहिए क्यों भी टैलेंटेड लोग जो होते हैं मैं सबकी सपोर्ट करता हूँ। वो तो अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे जिसे चाहे जिल्लत दे। नाज़रीन ये था आज का खूबसूरत सा प्रोग्राम यकीनन आप जो है वो इसको एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह इनसे फिर भी हम गुफ्तगू करेंगे अगले भी इनको किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे क्योंकि इनसे जितनी बातें की जाए कम है और फिर इनके साथ जो है वो बैठ के और जो वो मुझे दिली खुशी हो रही है जो वो मैं मुझे जो हंसी आई है वो मेरे दिल से यकीनन निकली है क्योंकि ये बंदा इसने मेहनत की और फिर इसका जो कंटेंट है आई रियली लाइक इट आपने भी बहुत ज्यादा पसंद किया और मजीद जो है वो इनसे इंशाल्लाह फिर भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन आज के प्रोग्राम से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।